भले ही प्लेस ऑन व्हील दुनिया की सबसे महंगी और लग्जरी ट्रेन हो, लेकिन लाइफलाइन एक्सप्रेस एक ऐसी ट्रेन है जिसका इंतजार देश के हर नागरिक को रहता है, क्योंकि ये ट्रेन अपने आप में चलता फिरता हॉस्पिटल है। आपको बता दें कि इस ट्रेन को 1991 में शुरू किया गया था और तब से लेकर अब तक ये देश के कोने कोने में पहुंचकर लोगों का इलाज कर रही है। इस ट्रेन में ऑपरेशन से लेकर हर प्रकार के इलाज की सुविधाएं हैं, इसलिए इसे हॉस्पिटल ऑन व्हील कहा जाता है। इस एक्सप्रेस की जो सफर है वो 1991 में शुरू हुई थी और अभी तक 90,000 मरीजों का इसमें इलाज किया जा चुका है। वहीं 1,00,000 से ज्यादा लोगों की सर्जरी हो चुकी है। इस वक्त ये ट्रेन अरुणाचल प्रदेश के लोगों की सेवा के लिए पहुंच गई है। इसका उद्घाटन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबाग ने राजधानी क्षेत्र नाहरलागुन रेलवे स्टेशन पर किया है। ये एक्सप्रेस पापुम पारे जिले में आगामी 5 मार्च तक रहने वाली है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन चलती फिरती निशुल्क रेल अस्पताल लाइफलाइन एक्सप्रेस को चला रही है, जिसमें पोलियो से लेकर कटे फटे होंठ, मोतियाबिंद, कान के रोगियों, स्तन, मिर्गी का परीक्षण और दांतों का परीक्षण भी किया जाता है। जिस शहर में ट्रेन जाती है वहाँ स्थानीय प्रशासन व गैर सरकारी संगठन के सहयोग से मरीजों का रजिस्ट्रेशन होता है और उसके बाद इलाज की जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाती है। अब केवल भारत में नहीं बल्कि चीन, यूरोप के अलावा हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश जैसे देशों में इसके चलते फिरते अस्पताल को पसंद किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं शिवानी। अगर आपने हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देखा है तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद।